ठीक है। अबे इसके साथ अपन ने एक चीज पे बात नहीं करी जो अनाउंस हुई थी, गदर 2। ओह भाई यार, भाई हैंडपंप उखाड़ा, दो हैंडपंप उखाड़ेंगे। पोस्टर आया था भाई उसका, दो हैंड पंप। अरे नहीं कहते मैडम जी मैं आपको पाकिस्तान से घर ले आऊं। भाई नहीं, दो दो हथौड़े उखाड़ना तो चाहिए भाई। भाई दो हैंडपंप आएंगे इसमें, अब चाहे कुछ हथौड़े बोलिए। मैं यार फिर अशरफ अली कैसे करेंगे? अशरफ अली, अशरफ अली तीन बार आवाज गूंजती है ना उसकी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भाई भाई नहीं सीरियसली यार, मतलब वो पिक्चर अरे उसके लिए पता है जो तुमने यूट्यूब पे वो नहीं मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी वाले वीडियोस देखते होगे, वहां के पॉपुलेशन को हायर किया जा रहा है पिक्चर की डायरेक्शन में यूज करने के लिए। और मतलब उनके देखो मतलब व्लॉग्स में कि गदर 2 की शूटिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं बैकग्राउंड में। ओ भाई बैकग्राउंड, भाई यार दैट्स अ यूट्यूब पावर मैन। मतलब पावर तो ठीक है भाई, मूवी कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी ये सोच रहा हूं। तो अच्छी बना यार, बस स्टोरी स्टोरी जो है ना अच्छी रख दो भाई, वाइल्ड एकदम भाई, नाम है भाई गदर, मतलब ऐसे नहीं किंग कॉन्ग खत्म मुंह में ऐसे जबड़ा खा दे भाई, मजा आ जाए भाई। सनी देओल ने कर दिया तो अरे भाई, भाई मैं तो एकदम छाती पिंड लगा वहां पे। अरे भाई वो जबड़ा उधर फट रहा, छाती इधर पिंड जा रही है भाई, भाई फाड़ दिया। नहीं वापस वो सीन रिक्रिएट किए, उसको बोले कि बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुंह सीधा। अरे भाई यार क्या सीन, मुंह पे ऐसे खून के छींटे, ठीक है। अरे भाई भाई हार्ड आर रेटेड पिक्चर बन रही है भाई, पता चल रहा है। नहीं जैसे वो किया था विक्रम मूवी में, ठीक है वैसा जब रोलेक्स की एंट्री होती है, ठीक है भाई यार वो यूं ऐसे कुल्हाड़ी घुमा के और खच से मारे और छींटे ही मुंह पे उतर रहे, फिर सनी पाजी ऐसे उठ के ऊपर देख रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद है था और रहेगा। ये तो है यार भाई, तब अपन पापा पापा से पता किए थे गदर भाई, एकदम इतनी हाउसफुल टिकट्स नहीं, अरे बहुत ज्यादा हुई थी वो तब ऑफलाइन का टाइम भाई, एडवांस और गदर के साथ ही लगान भी लगी थी मालूम है। हां दोनों पिक्चर साथ में सेम है, दोनों हिट, दोनों हिट सुपर डुपर हिट, गदर बहुत ज्यादा गई थी यार। गदर का बता रहे थे क्रेज बहुत तगड़ा था, बहुत भाई बहुत। गदर का क्या है कि गदर का बहुत प्रोलॉन्ग्ड भी था क्रेज, हाँ का शॉर्ट। आज के टाइम पे शायद पठान ने 2.5 मिलियन फुटफॉल, 2.5 करोड़ फुटफॉल क्रॉस किए, मतलब लोग टिकट देके 2.5 करोड़ लोग देखने आज के टाइम पे, उसने उस टाइम पे शायद 2 करोड़ किया था। भाई यार उस टाइम पे भाई थिएटर उतने कहाँ थे, वो होना चाहिए कहाँ थे, वो गाना गाना मैं निकला वो गड्डी लेके 2.0 एक ऑपरेट आ गया, एक ऑपरेट आ गया, चल चल ठीक है। होटल में बैठे भाई, घर पे नहीं है, बाहर आवाजें आ रही होंगी, सोचेंगे क्या कर रहे हैं, चल के रहे ये, चल के रहे ये। व्हाट इफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 5 और 6 फेल्ड, क्या होगा मार्वल? नहीं यार अब नहीं, अब आप संभल गया भाई, ठीक है भाई। देखो ऐसा है ना, अभी फैंटास्टिक 4, फिर उसके बाद अभी डेडपूल 3, उसके बाद कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर्स 1, सीक्रेट वॉर्स 2, जितना कांड होना तो हो चुका भाई, बहुत बहुत हैवी हिटर्स हैं भाई। बस उसके अंदर हक ना दे नहीं यार नहीं, अब नहीं होने वाला, अब नहीं होगा यार, अब नहीं होगा। देखो मार्वल एक बार गलती करता है बस, ठीक है दूसरी बार नहीं। लोकी सीजन 2 आने वाला है भाई, लोकी पागल भाई आदमी होंगे, मैं फिर वॉच पार्टी लेके चालू पीछे कह रहा अब यार अब वॉच पार्टी नहीं करूंगा यार लोकी कर ले, फिर लोकी सीजन 2 आया एपिसोड 1 से, अब कर लेता हूं यार। तो गुरु लोग एक और वॉच पार्टी में स्वागत है, 5000 वॉचिंग मामूली बात नहीं होती भाई। अबे लाइक मारा कि नहीं मारा अभी इनपो, हेलो एवरीवन बोल रहे हैं, हेलो हाय, ठीक है लाइक करो फटाक से। अगला पोल किसके ऊपर चाहिए ये भी बता दो। अवतार का ये बोल रहा है, अवतार एयरबेंडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अवतार नहीं देखा यार मैंने, लास्ट एयरबेंडर। अच्छा तुमने वो नहीं देखा है? नहीं देखो यार काफी बस वो पता उसके सिर पे एरो ऐसा बना रहता है काफी, और उसकी एक एंगली ने मूवी बनाई थी बहुत बेकार बनी थी जो लोग आज भी एनिमेटेड सीरीज है, आज भी गालिब उसके फिलर्स हैं बीच बीच में, बट अच्छी है वो। एलियन वर्सेस काउबॉय, एलियन वर्सेस काउबॉय देखी थी भाई, उसमें वो था डेनियल क्रेग, देखी क्या? हाँ नहीं, ओ भाई बहुत खास पिक्चर भाई, बकवास थी। अबे तभी तो अपना आयरन मैन डायरेक्टर क्या नाम था, जॉन फेवरू, उसी की तो थी, उसी ने डायरेक्ट की थी। हाँ वही पिक्चर तो थी, फिर उसको उसने छोड़ दिया कई टाइम के बाद, फिर शेफ बनाई उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, पर वो इतनी अच्छी नहीं थी एलियन वर्सेस ना। हाँ तभी तो रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट से मेरे को दूर जाना है। हाँ
तब फिर शेफ के बाद रियलाइज हुआ कि अब मैं अपने मर्जी से काम करेगा. यस yes.